एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 5। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिप्स ए पार्ट 40/45। आपको क्या करना है, डैश में यहाँ पर फिल करना है कि कौन सी टर्म आएगी 40/45। तो आप ऐसी कौन सी टर्म से डिवाइड करें, आंसर विल बी 8/9। तो 8 के आप सपोज करो 8 के टेबल में 40 कितने पर आता है, 5 पर, सो आंसर इज 5। 9 के टेबल में 45 कितने पर आता है, 5 पर, 9 5 = 45। तो डैश में क्या फिल कर देंगे, 5/5। सेम एज पार्ट बी, क्वेश्चन इज 24/32। डिवाइड आपको करना है 2 से और यहाँ भी 2 से, वेरी सिंपल। 2 से डिवाइड जब हम करेंगे 24 को तो क्या आएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, मीन्स 12। 12 विल बी द आंसर। आफ्टर दैट 32, 2 के टेबल से इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल पर 3 को डिवाइड करेंगे पहले, 2 1 = 2, 1 रह गया, 2 6 = 12, आंसर विल बी 16। सो डैश में आप फिल करेंगे 12/16। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट फिलिंग द मिसिंग नंबर्स, ए पार्ट 5/7। 35, इस बॉक्स में आपको मिसिंग नंबर फिल करना है। आप सपोज करेंगे 5 के टेबल पर 35 कितने पर आता है, 5 के टेबल पर 35 कितने पर आता है, काउंट करेंगे 5 7 = 35। तो सेम एज आपने करना है 7 के टेबल पर 7 पर क्या आता है, वो यहाँ आप इस डैश में फिल कर देंगे, मीन्स 7 7 = 49, 5 7 = 35, 7 7 = 49, मीन्स ये दोनों टर्म्स जो हैं आपकी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट बी पार्ट, 9/13 इज द स्टेटमेंट। एक डैश में आपको फिल करना है, दूसरे डैश में 65 आपको गिवन है। 13 के टेबल पे आप अगेन देखेंगे, 13 के टेबल पर 65 कितने पर आता है, 13 5 = 65। तो यहाँ पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 9 5 = 45। तो डैश में क्या आ जाएगा, 45। ए बी पार्ट हमने यहाँ पर किया है, सी डी आपको खुद से ट्राई करना है। सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन में भी ए बी पार्ट हमने किया है, सी डी पार्ट आपको ट्राई करना है। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको जब डेफिनेशन बताई थी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें कटिंग करने के बाद, कट करने के बाद सेम वही टर्म रिपीट होती है, तो वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है ए पार्ट 2/3 एंड द अदर वन इज 12/16। दो फ्रैक्शंस आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। तो 2/3 किसी सेम टेबल पर कट नहीं होता, बट 12/16 जो है वो सेम टेबल पर कट हो गया आपका, 4 3 = 12, 4 4 = 16। यहाँ पर आपका कट 2/3 आ रहा है, यहाँ पर कट करने के बाद 3/4 आ रहा है, दीज आर नॉट सेम, सो द आंसर विल बी नो, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आफ्टर दैट बी पार्ट 5/9 एंड द अदर वन इज 20/36। 5/9 विल नॉट कट ऑन सेम टेबल, 20/36 4 के टेबल पर कट हो रहे हैं, 4 5 = 20, 4 9 = 36, 5/9, 5/9 सेम एज 5/9, सो आंसर विल बी येस, इट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।